केसरगंज शिव मंदिर में हुई शस्त्र धारा। शिव मंदिर में भक्तों ने मनाया सावन का सोमवार। जल चढ़ाने उमड़े श्रद्धालु। सावन के सोमवार पर केसरगंज सब्जी मंडी स्थित शिव मंदिर में जलधारा के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा हुई। भोलेनाथ के भक्तों ने दूध दही जल चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने शिवलिंग पर जल और बिलपत्र चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा सोमवार है। श्रावण मास का आज में भगवान की शिव की सहित जलधारा का विशेष आयोजन किया गया है। इस सहित जलधारा के अंदर भगवान शिव को जल के द्वारा से उसके द्वारा सभी व्याधाओं का कष्टों का नाश होता है। और साथ में भी देखिए शुक्ल पक्ष में उजाले पास में किया गया पूजन का फल चार गुना से प्राप्त होता है। इसमें भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से दूध से दही से घी से शहद से गन्ने के रस से मांस से और नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उन अभिषेकों द्वारा सभी अभिषेकों का कई तरह का फल है। इससे किए गए अभिषेक का संतान की प्राप्ति के लिए गन्ने से किया गया अभिषेक का लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और कड़वे तेल से किया गया अभिषेक का रोग शत्रु विनाश के लिए किया जाता है। इसी तरह सातों में वेद है कि नाना प्रकार के दिव्यों से भगवान शिव को इस श्रावण मास में अभिषेक करने से और बीरपति चढ़ाने से उस मनुष्य के जन्मों के पापों का नाश होता है और उसकी सब मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण होती है। भगवान शिव को आदि अनादि किया गया है, वे इनके द्वारा पूजन से सभी कार्य और मनोकामना पूर्ण होते हैं। भगवान शिव का श्रावण मास में कावारी करने द्वारा पूजन करने से शीघ्र मंगल और मांगलिक कार्य पूर्ण होता है। पंडित रवि कुमार शर्मा, ज्योतिषाचार्य के सृजन गंगेश्वर महादेव मंदिर।